गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जम्मू कश्मीर के कुछ मंत्रियों को धन दिए जाने से पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह के दावे पर कहा कि उन्हें राजनीतिज्ञों के नाम बता देने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि वे विवरण देते हैं तो जांच की जा सकती है। दिल्ली उच्च न्यायालय 16 दिसंबर सामूहिक बलात्कार और हत्या पर सुनाई गई मौत की सजा की पुष्टि के मामले पर कल से रोजाना सुनवाई करेगा। कृषि आयुक्त जेएस संधु ने बताया कि इस वर्ष चावल का उत्पादन गिरकर 9.23 करोड़ टन रहने की संभावना। उन्होंने बताया कि अनाज उत्पादन बढ़कर 12.93 करोड़ टन होने का अनुमान है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस जगमोहन रेड्डी को जमानत मिलने के फैसले को उनकी पार्टी काफी अहम मान रही है। पार्टी नेताओं का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनावों में वाईएसआर कांग्रेस राज्य और केंद्र में एक बड़ी ताकत बनकर उठेगी। सीमांध्रा के सांसदों ने आज राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। ये सांसद तेलंगाना के खिलाफ लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं, हालांकि उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। कांग्रेस सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि भाजपा में इस वक्त अंदरूनी कलह साफ दिख रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नरेंद्र मोदी को आरएसएस के दबाव में आकर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। शेयर बाजार में गिरावट का रुख बरकरार, सेंसेक्स 118 अंक की गिरावट के साथ 19,782 अंक पर खुला। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 34 अंक गिरकर 5,855 पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया आज 23 पैसे गिरकर 62.83 रुपए प्रति डॉलर पर आ गया। कल के कारोबारी सत्र के दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले 37 पैसे कमजोर होकर 62.60 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम दौर को फिलहाल टाल दिया है, जिससे यहां राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। आदेश में कहा गया है कि चुनावों में कथित अनियमितता की जांच पूरी होने तक दूसरे दौर के चुनाव नहीं कराए जाएंगे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इस हफ्ते संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अहम विश्व शक्तियों से उसकी बातचीत होगी। अमेरिकी और यूरोपीय संघ के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ के साथ होने वाली इस बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी भी शामिल होंगे। केन्या की विदेश मंत्री अमीना मोहम्मद ने कहा है कि हमलावरों में 2 या 3 अमेरिकी और एक ब्रिटिश नागरिक के शामिल होने के सबूत मिले हैं। ब्रितानी हमलावर महिला बताई जा रही है। केन्या के सुरक्षा बलों ने नैरोबी के वेस्टगेट शॉपिंग मॉल को अपने नियंत्रण में कर लिया है। उच्चतम न्यायालय ने एन श्रीनिवासन को 29 सितंबर को होने वाली बीसीसीआई की एजीएम में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका पर सुनवाई मंजूर की। आज महान स्वतंत्रता सेनानी भीकाजी कामा रुस्तम काम की जयंती है। मैडम कामा के नाम से मशहूर भीकाजी कामा ही वे शख्सियत थी जिन्होंने 22 अगस्त सन 1907 में जर्मनी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज की रूपरेखा दी।